सो यार वेलकम है आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज जो बात हो रही है वो है इलेक्ट्रो रेडिएशन कुछ करके हमने ये कंसेप्ट बनाया था तौकीर भाई और मैंने। ये कोलैब था हम दोनों के बीच में और एंड ये कोलैब यार बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। हमने आपस में बहुत आइडियाज एक्सचेंज करे थे कि कैसे बनना है कैसा होगा। तो तौकीर भाई ने बताया था मुझे कि ऐसे ऐसे होना चाहिए कंसेप्ट, तो उस वे में मैंने एडिट करा था इसको। सो ये फुल वीडियो जो फोटो बनी थी ये मैंने फोटोशॉप में बनाई है और तौकीर भाई आपको ये पिक्स आर्ट में बना के ज़रूर दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, आप उनके चैनल को भी ज़रूर देखें और मैं डिस्क्रिप्शन में जैसे ही उनका पिक्स आर्ट वाला वर्जन आएगा वो भी डाल दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पिक्स आर्ट वाली वीडियो भी देख सकते हैं और फोटोशॉप वाली तो मैं डाल ही रहा हूँ। तो फोटोशॉप थोड़ा डिटेल्ड में रहेगा एंड तौकीर भाई की एडिट का भी डिटेल्ड ही वर्जन होता है वो, लेकिन वो पिक्स आर्ट के लिए डिटेल्ड वर्जन होगा। सो होप आपको दोनों ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे इस बार, क्योंकि मैं पहले फोटोशॉप ही करता हूँ क्योंकि मुझे पिक्स आर्ट इतना अच्छे से आता नहीं है। और आप सब इसके स्टॉक का वेट कर रहे होंगे PNG का, तो यार 100% आपको अभी स्टॉक मिल जाएगा थोड़ी देर में। 8:30 हो रहे हैं, 9:30 तक मैं सारे स्टॉक डाल दूंगा उसमें ग्रुप में, चाहे 10 बज जाएंगे शायद। और टेलीग्राम का ग्रुप ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप मुझे DM करके मत पूछो यार कि कहाँ से डाउनलोड करना है। जब वो आप लिंक खोलोगे ना टेलीग्राम वाला, तो उसमें सारी PNGs होंगी, नाम बकायदा लिखा होगा उन पे कि ये किस कॉन्सेप्ट की हैं, ये किस कॉन्सेप्ट की हैं। तो आप उनमें गो थ्रू करेंगे, थोड़ा टाइम लगाएं और अपना सर्च कर सकते हैं इजीली। सो यहाँ बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट हमारा अराइज हुआ था कि हमें इलेक्ट्रिफाइंग, या दोनों वर्ड गलत है, इलेक्ट्रिक दिखानी है हमें एंड में, ठीक है, हैंड में, और क्या कहते हैं जो भी हमारे स्पायरल हो वो इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसा लगे कि एनर्जी आ रही है, एनर्जी का पार्ट। तो इसके मैं डिटेल्स कवर करता हूँ। सबसे पहले फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ये फ़ोटो अपने में ही अच्छी क्यों लग रही है इतनी बेटर। तो यहाँ जब आप देखेंगे थोड़ा जूम करके, सॉरी गाइस इसके लिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नेक पे टैटू बना रखा है एक मैंने इलेक्ट्रिक का, और ये इलेक्ट्रिक इतना अच्छा ग्लो हो रहा है, ठीक है। हैंड्स के ऊपर बहुत प्यारा ग्लो है, ठीक है, यहाँ पे भी ग्लो है, और आप जैसे देखते हैं कि आईज में भी बहुत अच्छा मैंने एक स्पेक्स में शेड दे रखी है कि ये बढ़िया लगे। और ये जो बैंडाना है ये भी ग्लो कर रहा है इस फोटो में, तो ये चीज़ एक अपने में ही है। और जो यहाँ की इलेक्ट्रिक की रिफ्लेक्शन है वो भाई के जो कान में पहन रखा है ये क्राइस्ट का साइन, तो इसमें भी दिख रहा है। तो ये सब भी है डिटेल्ड इसमें कवर, हेयर्स में भी कलर अच्छे आ रहे हैं। सो एक फुल प्रूफ डिटेल्ड वीडियो बनेगी ये, और होप मेरे को लग रहा है कि ये कहीं आधे घंटे तक के ट्यूटोरियल पे ना पहुंच जाए, लेकिन तब भी मैं अपलोड कर दूंगा इसे, अगर टेंशन नहीं है। एंड स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तौकीर भाई ने इसमें थोड़ी सी एडिट खुद की भी डाली हुई है, तो वो पिक्स आर्ट वर्जन में ज़रूर बताएंगे। ये यहाँ तक तो ये कंप्लीट थी, उसके बाद भी थोड़ी भाई ने एडिट अपने तरफ से करी थी थोड़ी बहुत। एक होता है ना अपना टेस्ट डालना फोटो के अंदर, तो वो करा था भाई ने। तो यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ, और आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, सो थैंक यू गाइज इतना प्यार देने के लिए। और भाई के भी इंस्टाग्राम से भी बहुत मुझे लव आ रहा है कि बंदे हाँ वहाँ से भी आ रहे हैं कि यार आपका काम अच्छा है। और यार मैं सारे DM नहीं खोल सकता एक ही बारी में, देख नहीं सकता, सो स्टेप बाय स्टेप मैं सारे DM देखता रहूँगा और सारे रिप्लाई करूँगा आपके लिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो मुझे DM में डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था बैकग्राउंड लेने का, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं पिक्सल्स फोटो से मैंने निकाल रखा है ये वाला बैकग्राउंड। और पहले मैंने सोचा था यहाँ पे एडिट करने के लिए, तो यहाँ थोड़ा ग्लोरी टाइप नहीं लग रहा था, मतलब इलेक्ट्रिक कलर के लिए पीछे से ही एक वाइब्रेंसी चाहिए होती है, तो जो वाइब्रेंसी होती है वो
इसमें दिख रही थी मुझे, इस वॉलपेपर में दिख रही थी। और जब आप ध्यान से नोटिस करेंगे ना, तो ये वॉलपेपर वही है जो गूगल पिक्सल के फ़ोनों में लगा रहता है, वो नीचे से ले रखा है। यहाँ जो ये पानी दिख रहा है आपको, वो ये वाला शॉट है, ये अपर वर्जन का शॉट है वहाँ से, ठीक है। तो ये स्टॉक आपको पैक्सल पे मिल जाएगा और मैं ग्रुप में भी डालूंगा ये, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने बैकग्राउंड को कम कराया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इतना भाई आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहते हो कि गो थ्रू करा रहा हूँ मैं ट्यूटोरियल के, यार गो थ्रू में ही मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी कैसे कैसे बनाते हैं। अब मैं ये पूरा काम 7 से 8 घंटे का मैं आपको आधे घंटे में नहीं बना के दिखा सकता, ये आप भी सोचो खुद ही, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा ये ग्लो कर रखा है ज़मीन को। अब मैंने यहाँ ग्लो क्यों कराया है और मेरी नीड क्यों थी, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ से आप ब्रश लेंगे, ब्रश और सिंपल कोई सा भी कलर, जैसे मुझे नीला कलर दिखाना था तो यहाँ से मैं नीला और लाइट कलर लूँगा। लाइट कलर लेने के लिए नीचे आना पड़ता है और ओके करना है, ठीक है। और फिर जहाँ आप कंट्रोल ऑल्ट दबा के और अपने ब्रश को फैदर करें कि पूरा 0 फैदर पे, ठीक है, हार्डनेस नहीं होनी चाहिए। और फिर धीरे धीरे कुछ समथिंग इस टाइप का आपको पेंट करना पड़ेगा। और यहाँ ये हार्ड राउंड प्रेशर ब्रश है, तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट कैसा है, ठीक है। अब मैं यही चीज़ सॉफ्ट राउंड प्रेशर ब्रश से आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको दोनों में डिफरेंस दिख गया, वहाँ पे बिल्कुल लाइट है और यहाँ पे बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है, तो यही फ़र्क होता है। और फिर यहाँ से आप सॉफ्ट राउंड प्रेशर ब्रश लेंगे और यहाँ ऐसे थोड़े थोड़े मैंने स्ट्रोक कर रखे हैं, क्योंकि मैं ये इंटेंसीफाई कर रहा था ज़मीन को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अंडरलाइन लेयर से थोड़ा सा स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है, तो एक ग्लो सा क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, जो देखने में अच्छा लगता है लाइक ऐसा ही, ठीक है। तो ये स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैंने आपका जो भी पूरा ध्यान था वो सेंटर पे अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कर्व यूज़ कर रखा है, इसे डाउन कर दिया है। अगर आप करूँगा तो ऐसा रहेगा, डाउन करूँगा तो ऐसा रहेगा, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी। और फिर सेंटर से मैंने मास्क कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है। आपको मेरे ट्यूटोरियल समझने के लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा यार मेरे को समझाने में इतना डीप समझाना नहीं आता। यहाँ मास्क ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि कितना फ़र्क होता है मास्क से, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने तौकीर भाई को ऐड कर रहा है, ठीक है, कटआउट करा था मैंने बहुत अच्छे से, और कटआउट के लिए मैंने वीडियो डाल रखी है। पेन टूल से मैंने कटआउट करा है भाई को, तो आप भी पेन टूल से ही कटआउट करें, क्योंकि इससे बहुत अच्छे सिलेक्शन आते हैं। और अगर डिटेल्स की बात करें तो आप जूम करके देख सकते हैं हैंड्स में कितना अच्छा कटआउट आया है, ठीक है। तो यहाँ कटआउट मैंने अच्छे से निकाल लिया था। उसके बाद जो मेन काम था वो था कि यहाँ मुझे कमी लग रही थी कि ये फोटो एडिट कैसे होगी यार, ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड को ग्लो करा, सबसे पहले पहली चीज़ क्यों ग्लो करा, और ये ऐसा ग्लो दिखेगा आपको, बस जो सिंपल, जैसे मैंने वो नीचे ज़मीन में पेंट कर रखा था, उसे अंडरलाइन से स्प्लिट करा था, लेकिन यहाँ जस्ट मैंने पेंट कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसे ही सिंपल सिंपल। यहाँ पे सॉफ्ट ब्राउन ले लो तो आप देख सकते हैं सेम वही तरीका है, और यहाँ मैंने पीछे पेंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी इलेक्ट्रिक डाली थी पीछे, तो ये इलेक्ट्रिक की आपको PNG मिलेगी ये वाली, और ये ग्लो ग्लो भी दूंगा मैं आपको, ये दोनों PNG आपको मिलेगी। मैं साथ साथ एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं। ये सबसे पहली PNG है, बैक इलेक्ट्रिक, ठीक है, और जो वो बैकग्राउंड था वो भी डाल देता हूँ मैं इसमें अभी।
सो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड भी डाल दिया मैंने, तो दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। उसके बाद ये ग्लो है, ग्लो भी अगर चाहिए हो तो ये भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ मैं, ग्लो बैक। ठीक है, अब यहाँ तक तो मैं पहुँच गया हूँ। ठीक है, अब उसके बाद टॉकी बाइक को ऐड कर रहा था। अब मेन यहाँ काम चालू होता है कि इलेक्ट्रिक ऐड करना। तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रिक ऐड देखो कैसे कर रखे हैं, बहुत जगह मैंने मास्क मास्क इन मास्क आउट कर रखे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कलर डेविएशन करी है मैंने बहुत सारी, और यहाँ पे भी। ठीक है, तो अब मेन पार्ट आता है कि मैं सबसे पहले बनाता हूँ ग्लो आउटर बॉडी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं आउटर बॉडी का ग्लो मैंने कितना अच्छे से ड्रॉ कर रखा है। ये अब आपको ये ग्लो समझ में नहीं आएगा 100%, हर बार की रीत आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार तो आ जाएगा भाई। आप ट्राई ही नहीं करते हो तो आपको ग्लो कैसे आएगा। मैंने बहुत बंदों की फ़ोटो में देखा है, उन्होंने ट्राई करा है और अच्छा लग रहा है, और मैं मेंशन भी करता हूँ स्टोरी में, तो मैं सारी फ़ोटो और पोस्ट को देखता हूँ। सो ऐसे स्लोली स्लोली यहाँ से, ठीक है, ऐसे पेंट करने का। ठीक है, और फिर यहाँ पे फेस पे। ठीक है, जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ब्रश को बड़ा करना है। ठीक है, और धीरे धीरे ऐसे स्ट्रोक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ग्लो क्रिएट हो गया विदाउट जीरो एफर्ट के साथ। ठीक है, तो ये ऑल ओवर बॉडी कर रखा है मैंने। अब हेयर्स की बात करते हैं, तो हेयर्स में भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हेयर्स का भी मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ आज। तो ये हेयर्स में ऐसे आएंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना प्यारा मैंने ग्लो क्रिएट कर दिया। और उसके बाद अपना वही सिंपल सा मेथड, ऐसे वाला ग्लो। ठीक है, तो ये ग्लो जब आप ऐसे क्रिएट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और ये ऑल ओवर बॉडी क्रिएट कर रखा है मैंने। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक और जगह ग्लो क्रिएट करा, और वो है हैंड्स पे। ठीक है, तो हैंड्स का भी ग्लो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। तो सेम ब्रश है, बहुत चौड़ा करना है ब्रश को, और फिर धीरे 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 पेंटिंग। अगर आपको पेंटिंग नहीं पसंद तो यार आप फोटोशॉप में अभी कुछ नहीं कर सकते ऐसा ग्लो का, तो आपको पेंटिंग पसंद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए यार। और जस्ट कुछ ऐसे ही करते करते धीरे धीरे इस हाथ से इस हाथ पे आना है आपको। सो आप देख सकते हैं मेरा लैपटॉप लैग होना स्टार्ट हो गया है। दोनों ग्लो ऐसे ही कंप्लीट होंगे। ठीक है, अब ग्लो तो कंप्लीट हो गए, यहाँ पे ग्लो का अब आगे काम नहीं है। ये PNG है, ये भी PNGs है, तो ये दोनों एक्सपोर्ट करूँगा मैं अभी आपके लिए। और इसके बाद ये मैंने थोड़ा शर्ट पे ग्लो कर रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से सेम तरीके हैं, कोई अलग नहीं है। और यहाँ ये स्पेक्स में मैंने ग्लो क्रिएट कर रखा है, तो स्पेक्स का भी ग्लो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा ना मिड ब्रश हाई लेना है, मतलब यहाँ ऐसे ब्रश लेना है और ऐसे सिंपल सिंपल पहले एक स्ट्रोक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ब्रश को करना है छोटा ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रफ आइडिया में आपका क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक टाइप्स में आपको यहाँ क्रिएट करना है। और जब आप इसे दूर करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट लगेगा, और इसे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ जाता है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ मैंने कर रखी है, और यहाँ थोड़ा मैंने फेस पे भी ग्लो कर रखा है भाई के, जो एक बहुत हेल्पफुल चीज़ आगे साबित हुई थी मेरे लिए। और उसके बाद ये अभी बाद में एक्सप्लेन होएगा। यहाँ थोड़ा मैंने फ्रेम के नीचे भी मैंने ग्लो कर रखा है। ठीक
चिन के पास, और ये बैंडाना ग्लू। तो ये बैंडाना ग्लू मेन था इसमें, जो किसी को जल्दी समझ में नहीं आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। और इसका ग्लू करने का मैं ट्रिक भी बताता हूँ आपको। न्यू लेयर लेनी है आपने, और उसके बाद ये रेक्टेंगल टूल लेना और इसे मार्क कर देना जिस भी एरिया में आपको ग्लो चाहिए, ठीक है। फिर सेलेक्ट में जाना कलर रेंज, और यहाँ से बैंडाना का वो वाइट कलर सेलेक्ट कर लेना, और फिर हिट ओके। तो वो सिलेक्शन अपने आप क्रिएट हो जाएगा वहाँ। उसके बाद ये चीज़ से, रेक्टेंगल टूल से वापस ये एक्स्ट्रा जो भी हो उसे हटा देना आप, और फिर ऑल्ट डिलीट दबाना जो भी आपको कलर का ग्लो चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ ब्लू कलर का चाहिए था, तो यहाँ ऑल्ट डिलीट, तो यहाँ आप देख सकते हैं इजिली वो ग्लो आ गया। और फिर यहाँ मैंने इरेजर से ये एक्सेस चीज़ें हटा दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कमांड जे प्रेस करना है, डुप्लीकेट हो जाएगी लेयर। उसके बाद ब्लर, ब्लर गॉसियन, और यहाँ से गॉसियन ब्लर आपको थोड़ा ज़्यादा लेके जाना पड़ेगा, अराउंड इतना बेटर रहेगा, हाँ 25 तक। तो आप देख सकते हैं वहाँ वो ग्लो आ गया है, ठीक है। तो यही ग्लो है, कोई हाई फाई चीज़ों का ग्लो नहीं है। और ठीक है, अभी ये रोड मैप हुई है अराउंड 10-20% हुई है इमेज, अभी भी बहुत काम करना बाकी है इसमें। अब उसके बाद मैंने यहाँ ऐड करनी है ये इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मेन फ्रंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ एक और बनाई है, ये हाथ की इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसकी भी पीएनजी में आपको निकाल देता हूँ। सो ये पीएनजी मैं कहीं उठाता नहीं हूँ, ये खुद की ही सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। इसे किसी और को ज़्यादा शेयर ना करें, या आप पैसे कमाने में यूज़ ना करें, ये बेटर रहेगा। तो यहाँ दोनों निकाल दिए मैंने पीएनजी, ठीक है। अब मैं उसको दिखाता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक अभी शरीर पे इफेक्ट नहीं कर रही है, ये हाथों में तो है, शरीर पे इफेक्ट इसका आ नहीं रहा है। इसका कहने का मतलब क्या है मेरा, कि लाइक दिस, कि जब ग्लो होंगी चीज़ें आसपास की तभी लगेगा कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पड़ रही है। तो ये एक सीधा साधा रूल है, और कोई इतना हाई फाई चीज़ नहीं है यार इसमें भी करने का। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कहीं आप कहो कि एस्क कर दिया चीज़ को और बताया नहीं मुझे। सैम्पल कर लेता हूँ कलर को पहले। अब यहाँ से मैंने बड़ा कर देना है वही ब्रश, और यहाँ आप देख सकते हैं प्यार से धीरे धीरे धीरे, ठीक है। जब आप इतना ग्लो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ तो ये देख सकते हैं आप यहाँ कितना ग्लो हो गया होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ डबल क्लिक करना, ऑल्ट दबा के अंडरलाइन लेयर से स्प्लिट करें, तो आप देख सकते हैं वो फोटो में कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और हिट ओके कर देना जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्लो कितना प्यारा और अच्छा हुआ है, ठीक है। तो यही एक मेन टिप थी इसमें, तो यहाँ मैंने यही यूज़ कर रखी है, ठीक है। और उसे आराम से मैंने सारी जगह यूज़ कर रखा है, यही चीज़ है जो मैंने यहाँ पूरे थ्रू आउट लेयर में यूज़ कर रखी है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, यहाँ हैंड्स का कलर ना थोड़ा अजीब था, मतलब नीला होना चाहिए था, यहाँ ये कलर अलग से लग रहे थे, तो मैंने यहाँ कलर भी इसके ऊपर पेंट कर रखा है, और इसे ब्लेंडिंग मोड कलर में कर दिया था। अगर नॉर्मल रखूँगा तो वो वैसा ही दिखेगा, और अंडरलाइन लेयर से मैंने थोड़ा स्प्रेड करा था कि बाकी रिटेन हुए स्किन का भी कलर। और उसके बाद ब्लेंडिंग मोड जब आप कलर में चेंज कर देंगे तो वो डायरेक्टली स्किन पे इफेक्ट करेगा, बाकी चीज़ों पे इतना नहीं करेगा। उसके बाद मैंने हेयर्स में भी कर रखा है, और सेम अंडरलाइन लेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने फेस पे भी थोड़ा ग्लो डाला, क्योंकि फेस भी स्किन कलर दिख रहा था मुझे, तो मैंने यहाँ पे भी वर्क करा था। उसके बाद ये टैटू बनाया था मैंने,
सो टैटू की भी पीएनजी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ आपके लिए, सो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े किसी भी चीज़ में, ठीक है। टैटू नेक इलेक्ट्रिक, ठीक है, तो ये भी एक्सपोर्ट हो गई है। उसके बाद सिंपल कलर ग्रेड थी, जो आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिक चेंज लेके चली गई है मेरी फ़ोटो में। कलर ग्रेड पे ही बहुत सारी मेन चीज़ें आई थी इसमें, और इसमें एक चीज़ अभी मिस हो रखी है, वो है ये, थोड़े से मैंने हाथ पे भी इलेक्ट्रिक के इफेक्ट डाले थे, ये करंट वाले, तो ये भी एक्सपोर्ट करता हूँ मैं। तो ये बहुत मतलब थोड़ा माइनर माइनर डिटेल्स पे भी वर्क करा था मैंने इस फोटो में। यहाँ आप देख सकते हैं हाथ के अंदर का भी ग्लो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इलेक्ट्रिसिटी में भी थोड़ा मैंने ग्लो ड्रॉ करा है, और यहाँ पे भी मैंने कर रखा है अच्छा खासा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हर चीज़ को कम भी करा है कि ग्लो अच्छे से पॉप हुए। तो यहाँ ये कर वही नीचे कर रखा है और जस्ट मास्क है, और यहाँ यही कर्व है थोड़ा नीचे, और यहाँ ब्लू कलर मैंने करने के लिए करा था कि फेस और हैंड पे आए, ठीक है। और कोई लेयर इतनी बची ही नहीं है इसमें अभी, हाँ ये और ये, सो इसे भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक बॉर्डर, इसे भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ। ट्रिक बॉर्डर अप, ठीक है, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, ठीक। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा ग्लो दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वही सेम टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ यार, ब्रश से पेंट, ब्रश से पेंट, तो उतना हाई फाई नहीं है अलग। उसके बाद कलर ग्रेड यूज़ कर रखी है, और ये वाला प्रीसेट पहले से ही अवेलेबल है ग्रुप में, और नहीं होगा तो आज मैं डाल दूँगा इसे रीनेम करके अपने नाम से, क्योंकि मैंने कैलन क्लाउड नाम से है, कैलन का बहुत नाम यूज़ हो गया उसमें, उस टाइम कैलन्स के अकॉर्डिंग मैंने वो प्रीसेट बनाया था, तो इस बार मैं अपने नाम से डालूँगा, आप ज़रूर चेकआउट करना। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कंट्रास्ट बढ़ाया था, कंट्रास्ट से आप देख सकते हैं कितना चेंज आया है। और यहाँ मैंने कलर एफेक्ट्स भी यूज़ कर रहा था, कलर एफेक्ट्स ये वाला टूल है निक कलेक्शन का, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं, परचेज़ पे है ये ऑप्शन, अभी गूगल का सॉफ्टवेयर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो को बहुत अच्छा है एनहेंस करता है, और यहाँ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी एनहेंस कर दी है मेरी फ़ोटो को। और उसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हेयर्स में स्ट्रेच और यहाँ करा था, क्योंकि वो हेयर बैठे बैठे लग रहे थे इसलिए। और उसके बाद जस्ट ये लास्ट टच यहाँ मैंने फिंगर्स पे दिया था कि ये खाली खाली लग रही थी, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी एक्सपोर्ट कर देता हूँ, कहीं आपको भी फिंगर में कहीं प्रॉब्लम आए, फिंगर इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ सारी पीएनजीज एक्सपोर्ट भी हो गई हैं, और ये कंसेप्ट ख़त्म भी हो गया है, और समझाने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कंसेप्चुअल वर्क इसमें बहुत ज़्यादा था जो आपको समझना था, और जिस जिसने समझा होगा तो यार उनके लिए बेनिफिशियल है। और यहाँ पे सब कस्टम पीएनजीज खुद क्रिएट गई हैं, कहीं आपको नेट पे अवेलेबल नहीं मिलेगी, या कोई साइट आपको दे नहीं सकती है ये। और एंटर श्योरिज्म एक मानव शेयर मेरा फ्रेंड है, तो उन्होंने बनाई है वेबसाइट, वहाँ पे भी ये यूज़ होंगी, तो आप कोड डाल सकते हैं ऑफ, और वहाँ से ये पीएनजीज भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड आपको फ्री में मिलेगी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जहाँ से डाउनलोड करनी हो आप वहाँ से करें। सो थैंक यू गाइज, और मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, तो फिर भाई के भी चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू गाइज।